मॉर्निंग एवरी वन, टूडेज डेट इज 25 दिसंबर 2022। मेरा रूम बहुत वार्म है एंड विद दैट दिस वार्मनेस आई विल विश यू ऑल अ मैरी क्रिसमस। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है मेरे रूम से बाहर का, सूरज की रोशनी पड़ रही है पहाड़ों पे और इट इज़ शाइनिंग। आई विल शो यू इन अ बिट। और मेरा रूम भी बहुत वार्म है और मुझे अच्छा लग रहा है। सो आज की शुरुआत तो बड़ी अच्छी। मेरा प्लान है कि एक चर्च है यहाँ पे, मैंने देखा है, वहाँ पे मैं जाऊँगा और देखते हैं कैसा चलता है वो भी। अभी मैंने अपने कैब ड्राइवर से भी बात की थोड़ी देर पहले ही, सोने से पहले भी बेचारा वो मुझे बोल रहा था कि आप जब भी बोलेंगे मैं आ जाऊँगा। तो मैंने प्लान किया कि 10 बजे मैं यहाँ से निकलूँगा चेकआउट करके और आज मैं स्टे करूँगा श्रीनगर में और श्रीनगर को लोकली एक्सप्लोर करूँगा। तो जिस दिन मैं आया था उस दिन काफ़ी लेट हो चुकी थी, मैं थक गया था। आज मेरा श्रीनगर का ट्रिप है, तो लेट्स सी हाउ श्रीनगर इज़ टुडे। और इन द वे अगर कुछ मुझे नया चीज़ मिलता है तो वो भी मैं दिखाऊँगा और इस वीडियो में सारी चीज़ें कवर करूँगा। कोल्ड तो है और मैं भी नहा लिया हूँ। वाटर वॉज वॉर्म एंड इट वॉज वेरी गुड इन दिस होटल। बहुत ही अच्छा पानी था, उन्होंने साबुन भी दिया था। -6 degrees है आउटसाइड और आई वॉन्टेड टू शो यू इन दिस एंड ऑफ विंटर वॉट आई वॉज वेयरिंग। सो स्टेप बाई स्टेप आई विल फॉलो एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू कीप वॉचिंग फॉर ट्रैवलिंग टू श्रीनगर। सो द फर्स्ट लेयर विच आई हैव वोर इज दिस थर्मल्स और मैंने XY-axis के थर्मल्स लिए हैं। मुझे डिसेंट इनफ लगे, कल स्वेट भी हो रहा था। Even though I was doing skiing, tab sweat ho raha tha. So this is the thermals which I had, aur kafi decent enough hai. Cost main aapko baad mein bata dunga, kyunki mujhe yaad nahi hai. So this is the first layer which I wore. So the second layer is a jeans, a t-shirt and two pair of socks. So maine ek ankle socks pehna hai aur because main apne Bangalore mein football khelta hu occasionally right now. सो फुटबॉल वाले सॉक्स भी मैंने रख लिए थे, तो वो दो सॉक्स मैं पहना हूँ। एंड एज यू कैन सी आई कैन स्टैंड ऑन माय फीट विथ ओनली वेयरिंग सॉक्स लाइक या ऑब्वियसली एनी मैन कैन स्टैंड ऑन देयर फीट विथ वेयरिंग सॉक्स, बट द थिंग इज यहाँ पर फ्लोर बहुत ठंडे होते हैं, तो दैट्स द रीजन आई एम सेइंग दिस। सो द सेकेंड लेयर वॉज दिस, लेट्स मूव टू द थर्ड लेयर। सो द थर्ड लेयर वॉज अ वुलन स्वेटर एंड पेयर ऑफ ग्लव्स and a neck warmer and a cap, so woolen cap. So this was more than enough for me. After this I was not feeling any cold outside. मेरे को अच्छा वार्म मिल रही थी इन सब चीज़ों से। और इसके ऊपर भी मैंने एक जैकेट पहना हुआ था जो कि ये है, और दिस जैकेट आई बॉट फ्रॉम मिंत्रा और दिस वॉज ऑल्सो गुड इनफ। अच्छा वार्म हो जा रहा था और इसके बाद मुझे उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं लगी कि इसके ऊपर भी मैं कुछ पहनूं, इतने में मेरा हो जा रहा था। वन मोर थिंग, आई हैव बॉट अ बाकाबुकी शूज़ एंड मेक अ नोट, नो वन हैज़ स्पॉन्सर्ड मी और एनी ऑफ दिस। सो आई हैव बॉट अ बाकाबुकी शूज़। अभी थोड़े से डर्टी हो गए बिकॉज कल मैं पूरा कीचड़ में और स्नो में सो खेल रहा था, तो थोड़े से डर्टी हो गए। एंड दिस शू वॉज़ वेरी गुड एक्चुअली। थोड़ा सा स्किट हो रहा था बाय द वे, लेट मी टेल यू ऑनेस्टली, स्नो में थोड़ा सी स्किट हो रही थी ये चीज़, बट इट वॉज ऑल्सो गुड इनफ, वेरी गुड। आई डोंट थिंक यू नीड टू टेक, इफ यू आर बाइंग दिस यू नीड टू टेक अनदर, यू नो अनदर बूट विच दे आर गिविंग इन टंगमर्ग और यहाँ गुलमर्ग में भी। अगर आप ऐसे बूट रखते हैं
तो वो इनफ होगा। और आपको, मुझे नहीं लगता, अगर आप ऐसे मेरे जैसे प्रिपेयर होके जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको वो जो जैकेट्स वहाँ बेचते हैं, लॉन्ग जैकेट्स एंड द बूट दे आर गिविंग यू फॉर रेंट एंड ऑल, आपको वो रिक्वायर्ड रहेगा। वो आपको बीच रस्ते में रोक के बोल सकते हैं, मुझे तो बोला था कि आपको वहाँ जाना है और आपको वहाँ पे जाके जैकेट लेना पड़ेगा, और जो आप पहने हैं ये जैकेट इसे उतारना पड़ेगा, उनकी जैकेट लेना पड़ेगी और उनकी बूट लेनी पड़ेगी, ऐसा उन्होंने मुझे बोला था। और मेरे ड्राइवर तो अच्छा आदमी था, तो मैंने उससे पूछा, तो उसने बोला सर कोई रिक्वायर्ड नहीं है, आप मना कर दीजिएगा, अगर आपको लेना है तो लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए, लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी है, और बर्फ़ वहाँ है नहीं, बिकॉज़ बर्फ़ इतनी ज़्यादा पड़ी नहीं थी, इतनी ठंड थी नहीं, ठंड तो है लेकिन स्नोफॉल नहीं हो रही है इस टाइम पे, तो उन्होंने मुझे कहा कि ज़रूरत नहीं। तो आपके हिसाब से आप डिसाइड कीजिए, अगर आप ऑलरेडी रेडी हैं इन सब चीज़ों को लेके, कवर अप है, तो आई वुड रिकमेंड कि आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है या रेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा डायरेक्टली गुलमर्ग आ सकते हैं। सो मेक अ नोट ऑफ इट। तो मैं अभी पहुंच गया हूं, एक फॉरेस्ट टाइप का यहां पे है, मेरे होटल के पास ही है। ब्रेकफास्ट रेडी नहीं हुआ था तो मैं सोचा चलो एक वॉक करके आता हूं, और मुझे ये मिला, बहुत ही खूबसूरत जगह है, ज़्यादा जंगलों जैसा ही है लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है, रोड भी दिख रही है मुझे, मैं आपको दिखाता हूं कैसा दिख रहा है, बहुत सुंदर है। मैं पूरा वॉक थ्रू आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे यहां से वॉक करके बाहर निकला, तो कीप वॉचिंग, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल। मैं गेम खेल रहा था असैसिन क्रीड 4 जब मैं कॉलेज डेज में हुआ करता था, और उसमें एक ऐसा लोकेशन है बॉस्टन में, तो उसे मैप फॉलो करते हुए जाना रहता है। तो आई होप अगर आप भी खेले होंगे तो आपको पता होगा। सो ये लोकेशन बिल्कुल वैसा ही लग रहा है मुझे, घोड़े पे असैसिन क्रीड का जो हीरो रहता है, मेरे को उसका नाम भी याद नहीं है, वो बैठ के अपने मिशंस को कंप्लीट करता है, और उसको बीच बीच में जानवर मिलते हैं। होपफुली मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मुझे कोई जानवर ना मिले भाई। ये जगह बहुत खूबसूरत है और अच्छी है। अनफॉर्चुनेटली इस साल स्नोफॉल उतनी हुई नहीं है, तो फिर भी मैं काफ़ी जितना कवर कर सकता हूँ कर रहा हूँ। अगर स्नोफॉल हुए रहते तो सोचिए यहाँ ये जगह और कैसी दिखती है, पेड़ भी स्नो से ढके हुए होते जो भी ग्रीन दिखे। वैसे ऐसे भी मुझे नहीं लगता कि कम खूबसूरत दिख रहे हैं, काफ़ी अच्छे हैं यार।